हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई? आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों ओमिशन ऑफ सिंटैक्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। इसमें जो है आपको आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल कह सकते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको ओमिशन ऑफ आर्टिकल को, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि इसका पिछला वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा शायद, और नहीं देखे हैं तो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जा कर के जरूर देखें दोस्तों, और जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे कि सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है भाई। तो इसमें हमने कई सारे रूल्स और नियम को बताए हैं कि कहाँ आपको आर्टिकल का यूज करना है, कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करना। आइए पहले कल की सारी बातों को मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ समराइज करता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हमने बताया था पहले कंडीशन ये थी कि जैसे कि आपके पास कोई प्रॉपर नाउन हो। ध्यान रखिएगा, यदि प्रॉपर नाउन है और तो प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में नहीं? इसके पहले आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बात समझ में आ रही ना? तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। जैसे इलाहाबाद, द इलाहाबाद कह दिया जाए तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। ये मैंने बता दिया। देखिए दोस्तों, ब्रीफ समराइज कर रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, समराइज कर देता हूँ, उसके बाद आगे से सारी चीज़ें आज कैरी हो जाएगी। फिर हमने बताया तब किसका प्रयोग नहीं करेंगे, जब हम मटेरियल नाउन, ध्यान रखिएगा मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब जब इनका सेंस कैसा हो, जनरल सेंस, जनरल सेंस, इन बातों को ध्यान रखते चलिएगा। एक बार समराइज कर रहा हूँ इनको, कि यदि मटेरियल नाउन को हम जनरल सेंस में यूज कर रहे हो तो इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा द गोल्ड इज अ प्रीशियस प्रीशियस मेटल, है कि नहीं? तब यहाँ पर द गोल्ड बात कर रहा है, तो भाई यहाँ पर हम, भाई गोल्ड जो आपका है वो वास्तव में बहुमूल्य धातु है, तो ये दैट इज योर जनरल सेंस। जब ये जनरल सेंस है तो यहाँ पर हम किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम स्पेसिफिक की बात करें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जब मटेरियल नाउन का प्रयोग, इन सारी बातों को आप नोट करेंगे, यानी कि वीडियो के बाद फिर से देखेंगे तब नोट करिएगा। जब हम तब यूज कर सकते हैं जब इनका सेंस कैसा हो, स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक सेंस, यानी कहने का मतलब जिसके बारे में हम कुछ विशेष क्वालिटी की बात करें। जैसे कि भाई ध्यान से बात को समझिएगा, एक एक पॉइंट को मैंने कह दिया, द गोल्ड ऑफ माई रिंग। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, माई रिंग है कि नहीं? अब मैंने कहा इस रिंग का, यानी कि मेरे रिंग का जो गोल्ड है, मैंने इस गोल्ड को क्या किया, स्पेसिफिक किया कि नहीं किया? जब स्पेसिफिक किया तो बी यूज बिफोर दैट नाउन और आर्टिकल द, है कि नहीं? तो हम आर्टिकल द इस नाउन के पहले यूज करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब हम मटेरियल नाउन को जनरल सेंस में यूज करेंगे तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब हम स्पेसिफिक सेंस में करते हैं, किसका, मटेरियल नाउन को स्पेसिफिक सेंस में यूज करते हैं, तब हम वहां पर आर्टिकल द का यूज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कह दिया द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, है कि नहीं? द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड है ना? अब स्पेसिफिक बनाया गया कि नहीं भी? बातें समझ में आ रही है? स्पेसिफिक बनाया गया, यहां नहीं दिख रहा है, चलिए यहां भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने कहा द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, है कि नहीं? अब यहां पर इसी पॉन्ड का जो जल है, तो मैंने क्या किया, इस वाटर को, दैट इज योर मटेरियल नाउन, वी फिक्स दैट इज, है कि नहीं? क्योंकि मैंने इसको फिक्स किया, और क्या शो कर, इसी पॉन्ड का, बात समझ में आ रही दोस्तों? तो वी यूज दैट नाउन बिफोर आर्टिकल, है कि नहीं? हम इस नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, बात समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफिक बना दिया। नेक्स्ट देखिए, यानी कि बात समझ में, पहला प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करेंगे, दूसरा मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे जब हमको जनरल सेंस में यूज करना है, ठीक है भाई? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया कि हम ध्यान रखिएगा अबस्ट्रैक्ट नाउन, इनके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल नाउन का प्रयोग, यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है भाई? समझ में आया? ठीक, चले एग्जाम्पल देते भाई।
अब द काइंडनेस, काइंडनेस काइंडनेस मतलब दयालुता। अब ये कैसा सेंस है अब्सट्रैक्शन भाई? दयालु क्या दिखता है क्या जरा बताइए भाई, दिखता है दयालुता? नहीं दिखता। द काइंडनेस इज अ ह्यूमन क्वालिटी, क्वालिटी है कि नहीं? अब ये क्या है, काइंडनेस की बात किया मैंने, किसका अब्सट्रैक्शन हुआ, तो इसके पहले हम किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या लिख सकते हैं इसको, काइंडनेस इज अ ह्यूमन क्वालिटी। बातें समझ में आ रही है दोस्तों? एकदम समझ में आ रही हो तो चीजों को जल्दी से लाइक शेयर करिए। ये कल की बातें हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये कल मैंने इनको ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है। ध्यान रखिएगा, मैंने तीनों नाउन को डिस्कस किया, कौन कौन से, प्रॉपर के पहले, ध्यान समझिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले क्या नहीं यूज करना, आर्टिकल का यूज नहीं करना, ये पहली कंडीशन हो गई। प्रॉपर नाउन के पहले क्या नहीं यूज करना, आर्टिकल का यूज नहीं करना। दूसरा बात, दूसरी बात जो हुई है वो मटेरियल नाउन को लेकर के हुई है, मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा, है कि नहीं? ये आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा कब, जब इसका सेंस आपका जनरल होगा। क्या होगा? जनरल होगा। लेकिन इसी मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे जब इसका सेंस क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन बातों को नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ रही है भाई? चले अब जो नेक्स्ट, ये तो आपके तीन चार रूल हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि खेलों के नाम के पहले, ध्यान समझिएगा, मैंने इनको सारी बातें बता रखी है, खेलों के नाम के पहले, नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है किसके पहले, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। अब खेलों के नाम के पहले जैसे भाई राम प्लेज द हॉकी, हॉकी है कि नहीं? अब ये कह दिया जाए भाई, बताइए जरा, ठीक है? तो यहां क्या नहीं होगा, अब इसको कह दिया आई प्ले द हॉकी, तो हमको यहाँ क्या यूज नहीं करना भाई, तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना। किसके पहले? खेलों के नाम के पहले। जैसे मैं कह दिया आई प्लेड द क्रिकेट, है ना, तो हम उसमें जो है आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चले चले आगे, नेक्स्ट बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए, ये आपके नेक्स्ट रूल था, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट रूल चलते हैं भाई, समझ में आ गया भाई यहां तक? ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो रूल लिखाने चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इसके बाद से हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया या डिस्कस किए होंगे तो समझ लीजिएगा। अगर ये वर्ड आ जाए इलेक्ट सिलेक्ट मेक अपॉइंट, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट सिलेक्ट मेक अपॉइंट, ठीक है, बात समझ में आ रही भाई यहां पर? अगर इसे में जोड़ना जाए तो आपका क्राउन भी आता है, अरे ताज भाई ताज, ठीक है, ठीक है ना? तो इनके बाद, के बाद प्रयोग किए गए, प्रयोग किए गए नाउन के पहले, नाउन्स के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्या बातें समझ में आ रही है आपको? तो इलेक्ट सिलेक्ट मेक अपॉइंट क्राउन, इनके पहले यानी के बाद प्रयोग किए जाने वाले नाउन से के पहले हम किसका यूज नहीं करते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बातें समझ में आ रही? ठीक, जैसे मैंने कह दिया क्लास टीचर, द क्लास टीचर इलेक्टेड इलेक्टेड हिम अ मॉनिटर, अ मॉनिटर, जरा बताइए क्या दिक्कत हुई भाई, बताइए जरा दोस्तों यहां पर बताइए।
तो यहाँ पर हम मैंने कहा कि भाई जब ऐसे शब्द आ जाए इलेक्ट सिलेक्ट मेक अपॉइंट क्राउन, तो इनके बाद आने वाले नाउन से पहले किसका यूज नहीं किया जाएगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, बात समझ मारी? सुन मैं दोस्तों, वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर अ नाउन व्हेन आफ्टर यूज इलेक्ट सेलेक्ट मेक अपॉइंट क्राउन। जब ये किसके बाद यूज हो, इनके बाद यूज हो, तो इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चले दोस्तों, समझ में आ गया? चले एक और दे दे। ही वॉज क्राउंड, क्राउंड मतलब ताज पहनाना, सर ताज कहना, क्राउंड द किंग, ध्यान रखिएगा क्राउंड द किंग। अब यहाँ क्या गलती हो गई, क्या गलती हुई कुछ, तो यहाँ पर मैंने कहा क्राउंड कर दिया गया, ताज उनको पहनाया गया है कि नहीं, राजा चुना गया। अब ये किंग के पहले नाउन आया, यानी कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग, ही वॉज क्राउंड किंग है कि नहीं, तो ये क्या है, किंग को ये ताज पहनाया गया है ना, राजा बनाया गया। ठीक है भाई, ठीक, चले दोस्तों, बात समझ मारी? तो ये कहानी होती है, इनको समझते चलिए। ये आपके सिलेक्टेड वर्ड है, आप इनको लिखिएगा, इनको दो चार बार प्रैक्टिस करिएगा, तो बिल्कुल आपको देखिए ये फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको जानते रहे भाई। मैंने कल बताया था कि और क्या बताया था, देखिए ध्यान समझिए, जो मैंने रेक्ट रूल बताया था वो ये बताया था, वो बताया था कि सभी बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल लगा, यानी कि किसी भी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि कह सकते हैं बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन दो आपके बीमारी ऐसे हैं, कौन, मीजल्स और कौन है, मम्स, ये दो बीमारियां ऐसे हैं जो हमेशा अपने साथ आर्टिकल लेते हैं, जो हमेशा अपने साथ आर्टिकल द को प्रेफर करते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कभी भी हमको बीमारियों के नाम के पहले किसका यूज नहीं करना है, किसका यूज नहीं करना, आर्टिकल का, ठीक है ना, आर्टिकल का यूज नहीं है, है ना। लेकिन मीजल और मम्स आ गए तो इनके पहले आर्टिकल का यूज करना है। जैसे मैंने कह दिया ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है भाई, मैंने कहा बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, तो इसको रिमूव आर्टिकल बिफोर मलेरिया है कि नहीं, मलेरिया के पहले जो आपका आर्टिकल है इसको रिमूव करना। लेकिन अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए क्या, मीजल्स है कि नहीं, जैसे मैंने कह दिया रमेश इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल्स, ठीक है ना, तो इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करें, दैट सेंटेंस इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रीजन क्या है बताया जा चुका है, इसको आज फैक्ट से समझते चलिएगा, बस फैक्ट समझते चलिएगा। देखिए ठीक है भाई, समझ में आ रहे बातें, तो बस आप इनको एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ते जाइए, बाकी आपका जो है फैक्ट दिया जा चुका है। ठीक, समझ में आ गया बातें? नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करना चाहे, इसी कड़ी में जो आपका नेक्स्ट रूल बनता है, ध्यान रखिएगा, जब किसी कॉमन नाउन का, यानी कि जब व्यापक अर्थ में कॉमन नाउन जैसे कि भाई कह दिया जाए मैन, अब ये है कि नहीं कॉमन नाउन है कि नहीं भाई, ये कॉमन नाउन है, जब इसका व्यापक सेंस में प्रयोग किया जाए, किसका व्यापक सेंस में, ये कॉमन नाउन है ना, जब कॉमन नाउन है तो इसका जब व्यापक सेंस यानी बड़े पैमाने पर किया जाए, तो हम इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर से एक बार दोहराता हूँ, जब कॉमन नाउन का यूज बड़े पैमाने पर किया जाए, बड़े पैमाने यानी कि पूरे उससे वर्ग जाति समूह का भाव प्रकट हो, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा भाई, जो मैंने कहा जरा सोचिए, एक बार बोलिए, सब लोग बोलिए, ठीक, बात समझ में आ गई ना, कि कॉमन नाउन का प्रयोग यदि बड़े पैमाने में किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैंने कहा अ मैन इज
मॉर्टल मॉर्टल, जरा बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पर भाई, अमैन इज मॉर्टल में क्या समस्या हो गई? ठीक है ना, तो इस मैन को हमने क्या किया कि मनुष्य नश्वर है, तो बड़े पैमाने हर मनुष्य नश्वर है कि नहीं भाई? कॉमन को हमने जनरल सेंस में लिया है, जब जनरल सेंस में लिया है तो बड़े पैमाने पे यूज किया है कि भाई सारे मानव वर्ग जाति का भाव प्रकट हो, चाहे जो भी, चाहे वर्ग हो, जाति हो, का चाहे जो भी हो, सभी मानव की बात किया है, मानव मैन है कि नहीं? तो यहाँ पर हम इसको कॉमन नाउन को हम जनरल सेंस यानी कि सामान्य अर्थों में यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। बातें समझ में आ रही है दोस्तों? तो मैन इज अमॉर्टल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप बात समझ पा रहे हैं हमारी, बताइए बताइए क्या ये बातें समझ में आ रही है भाई? बात ना समझ में आ रही है तो बताओ, समझाएं? चलिए भाई, जैसे कि आपसे कह दिया जाए, द मैन काइंड विल ऑलवेज, द मैन काइंड विल ऑलवेज रिमेम्बर रिमेम्बर द बुद्धा एंड जीसस जीसस। ध्यान रखिएगा, ये गलती पूछा जाता है आपसे, द मैन काइंड। अब मैन काइंड मतलब क्या भाई? अब मैन काइंड मतलब एक ही आदमी नहीं, मैन काइंड मतलब पूरी मानव जाति की बात हो रहा है। जब मानव जाति की बात हो रहा है तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे मैन काइंड, ठीक है भाई, बाकी से सारी चीजें ठीक। चले आगे, चले नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए। अब कहा जाता है क्या, नेक्स्ट रूल ही है भाई, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा, हम कह सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहीं पर अगर क्या आ जाए प्लूरल, ये पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे कि भाई मैंने कह दिया द डॉग्स बार्क, द क्यों नहीं करते? अरे रीजन यही है भाई, अब ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। अब ध्यान रखिएगा, जब कॉमन नाउन है तो यहाँ पर देखिए डॉग्स पूरे जाति वर्ग समूह का भाव प्रकट हो रहा है, यानी कि यहाँ सिर्फ एक डॉग की नहीं बात हो रही है, पूरे डॉग की बात हो रही है। जब पूरे डॉग की बात हो रही है दैट इज योर प्लूरल, जब ये प्लूरल है तो जो भाई प्लूरल है इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, इसको हम डिफिनेट नहीं कर सकते भाई। वही कुत्ते की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर सारे कुत्तों की बात कर रहा हूँ, बी यूज इन अ प्लूरल फॉर्म, है कि नहीं? जब ये प्लूरल फॉर्म यूज है तो वी डोंट यूज एनी आर्टिकल्स बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन ऑफ वर्ड, है ना? तो हम इसको यूज नहीं करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है दोस्तों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट वर्ड देते हैं, ठीक, नेक्स्ट दे दें, एक और दे दें, द बुक्स वर सोल्ड सोल्ड हियर। अब जरा बताइए, द बुक्स वर सोल्ड हियर, ठीक है ना? तो हम बुक्स यहाँ पर हमको क्या है, जनरल सेंस में, थोड़ी जनरल सेंस में सारी बुकों की बात हो रहा है, अब प्लूरल सेंस में इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बातें समझ में आ रही, इन बातों को समझ में आ गया भाई, ठीक है? चले चले दोस्तों, मैंने कह दिया इस तरीके से, आई मेट अ मैन, है कि नहीं? आई मेट अ मैन, ठीक है, बताइए जरा, ठीक है। चले आगे देखिए, नेक्स्ट देखते चलिएगा भाई, देखिए स्पेसिफिक रूल्स हैं, इनको आप जानते रहिए, ये आपके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, है ना? विशेष बात है, यही आपके सिंटैक्स की कहानी होती है जो आपको बताता है। सिंटैक्स मतलब होता है कि हम किस तरीके से आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, अभी सिंटैक्स में बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं। चलिए ध्यान से अब बात समझिए, जो फैक्ट अब बताने चल रहा हूँ दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, जैसे कि अब आ जाता है स्कूल स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल टेम्पल, ध्यान रखिएगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल टेम्पल, है कि नहीं? इसी में आपका कोर्ट आता है, चर्च आता है, ये सारे जो भी आपके वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे जो भी आपके वर्ड हैं, इसी में होम भी लिख लीजिए, ये वर्ड हैं, ठीक है? अगर अगर इनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है ना? जिस पर्पज के लिए बने हैं, ध्यान रखिएगा, अगर
ये जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बने हैं, उद्देश्य के लिए बने हैं उसी के लिए प्रयोग किया जाए तो आर्टिकल नहीं लेता है, ठीक है ना, नहीं लेगा भाई, ध्यान रखिएगा। जिस उद्देश्य के लिए बने होते हैं, जैसे कि भाई आई एम गोइंग टू द स्कूल, ठीक है ना। आप जरा बताइए, जरा क्या है सेंटेंस सही भाई? आई एम गोइंग टू द स्कूल, बताइए जरा, ठीक, बताइए। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, ही इज गोइंग टू द स्कूल, क्या सेंटेंस है ये भाई? बताते रहिए आपको, देखिए एक एक फैक्ट आपको दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। अगर सेशन समझ में आ रहा हो, पसंद हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और आगे तक चैनल को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। बताइए इसको सही करिए। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि भाई क्या है, अब ये जब स्कूल जा ही रहा है तो किस लिए जाएगा, पढ़ने के लिए जाएगा कि नहीं, पढ़ने के सेंस में, है ना, बात समझ में आ रही। लेकिन अब यहीं पर अर्थ समझिएगा, बट इनका उद्देश्य कुछ और हो, यानी कि यदि उद्देश्य क्या हो, उद्देश्य बदल जाता है, हम कहीं और जाए, जैसे कि भाई देखिए, सम वर्कर्स आर गोइंग टू टेम्पल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें हम कुछ एरर करके दे रहे हैं, टू रिपेयर इट, ये सेंटेंस देखिए, इसको बनाइए होगा जरा। कहने मैंने कहा कि सम वर्कर्स, अब ये काम करने वाले हैं, पढ़ने जा नहीं रहे भाई, यानी कि काम, सुनो, पढ़ने के, मंदिर मंदिर की बात हो रही है, तो ये सम वर्कर्स है, काम करने वाले हैं, ये मंदिर नहीं जा रहे हैं। देखिए अब टेम्पल के यूज हम, भाई टेम्पल मंदिर के मतलब मैं दर्शन के लिए ही जाऊंगा, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर वर्कर्स हैं, तो वर्कर यूज किया गया, तो काम के लिए जाएंगे, चाहे जहाँ काम हो। अब जगह कौन सा है, टेम्पल पर, तो ये जगह फिक्स हुआ कि नहीं, काम कहाँ करने, यानी कि ये जो वर्कर्स है इनके लिए स्थान फिक्स हुआ, टेम्पल, जब स्थान फिक्स हुआ तो हम इनके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बताइए अगर समझ में आ रही है तो अरे भेजो भाई शेयर लाइक, ठीक है। देखिए जैसे कह दिया भाई, माई फ्रेंड वेंट टू द कॉलेज कॉलेज टू सी द प्रिंसिपल टू सी द प्रिंसिपल, बताइए जरा भाई क्या गलती हुई है यहां पर, बताइए, गलत है सेंटेंस? ठीक है, माई फ्रेंड वेंट टू द कॉलेज टू सी द प्रिंसिपल, तो देखिए तो भाई जो मेरे मित्र हैं ये गए हैं कॉलेज तो गए हैं, लेकिन किस लिए गए, पढ़ने के लिए नहीं गए। कॉलेज पढ़ने के लिए होता है कि नहीं होता भाई? जब पढ़ने के लिए होता है तो पढ़ने के लिए नहीं गए, लेकिन किस लिए गए, देखने के लिए गए प्रिंसिपल को, है कि नहीं, मिलने के लिए गए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो हम पढ़ने के उद्देश्य यूज नहीं किए, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो यही कह सकते हैं कि जब ये जिस उद्देश्य के लिए बने हैं उसे के लिए प्रयोग किया गया हो तो आर्टिकल द आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन यदि हम किसी और जनरल सेंस, यानी और सेंस में यूज करते हैं तो अपने साथ आर्टिकल द ले लेता है। बातें समझ में आ गई दोस्तों? ठीक, चलिए नेक्स्ट देते हैं। बहुत अच्छा रूल है और ये बहुत अच्छा टॉपिक, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई आपके, तो इसको ध्यान रखिएगा, अब इनको समझ लेगा, कई बार रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें वोकेटिव केस, तो आप जानते होंगे क्या होता है भाई वोकेटिव केस, वोकेटिव केस जानते ना, अरे संबोधन का, जैसे मैंने कह दिया कि भाई राम
कम हियर है कि नहीं, राम कम हियर, तो क्या है आपका वोकेटिव केस है, यानी कि यहाँ पर आप संबोधित कर रहे हैं, है ना। जब संबोधित करते होते हैं तो कभी भी इनके यानी कि जो आपका वोकेटिव वर्ड होते हैं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। जैसे इसको हम क्या नहीं कह सकते, द राम कम हियर, ये नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कह दिया सिट डाउन द बॉयज, है कि नहीं, सिट डाउन द बॉयज, है ना। तो ये क्या है भाई, तो मैंने संबोधन किया तो इसके पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बात समझ आ रही, इनको नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। देखिए वीडियो एक बार में नहीं समझ आता तो वीडियो को बार बार देखिए, चीजें आपके फैक्ट हैं, कहीं इससे बाहर आने वाला नहीं है दोस्तों, ये फैक्ट ही दिया जा रहा है यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड। आप एक बार देखें और आर्टिकल संबंधित आप गलतियों को भाई, इसीलिए मैंने लिख दिया था यहाँ पर कि ओमिशन, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ये मैंने लिख दिया पहले कि आर्टिकल का यूज किस तरीके से कहाँ किया जाता है कहाँ नहीं किया जाता है, ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, बोले अरे समझ में आ रही हो तो कह दो यस, और जल्दी से सेशन को शेयर करिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपसे एक ही रिकमेंडेशन है और ऐसे ही सिफारिश है दोस्तों, इस चैनल को बढ़ाइए जितना हो सके, और आपका प्यार ही है जो हमको यहाँ तक इस कदर आपको आपके सामने उपस्थित होने का मौका देता रहता है। ठीक है भाई, बस जल्दी से शेयर करिए, फिर आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताने वाले हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बातें, बोलिए भाई समझ में आ गई हो तो चले चले चले। अब नोट कर लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट, एंड इसका जो फैक्ट है इसका देखिए लास्ट रूल है, दिन महीना, ध्यान रखिएगा, दिन हो गया महीना हो गया, है ना। अगर इसे हम कहना चाहें तो आपका मौसम, मौसम इनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। ये दिन महीना मौसम, अब जैसे कि भाई कह दिया जाए आपसे सी केम हियर द संडे, क्या दिक्कत है यहाँ पर बताइए जरा, ठीक है, यहाँ पर ऑन द संडे लिख लीजिए, बताइए जरा। तो किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी केम हियर ऑन संडे, ये होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें समझ में आ रही, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट दे दे भाई, द जून इज द हॉटेस्ट मंथ, जून इज द हॉटेस्ट मंथ, जून इज द हॉटेस्ट मंथ, है कि नहीं, तो क्या है भाई द लगाया कि नहीं, गलती किया भाई, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो क्या क्या मैंने दिन महीना मौसम इनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, दिन महीना और मौसम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चले चले बातें यहां तक समझ में आई, चलिए अब हम लोगों जो आगे रूल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जब हम लोग आगे रूल पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाने, यानी कि इसमें आपका कह सकते हैं रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी कि यहां पर आर्टिकल का रिपीटिशन होता है, यानी कि जैसे कह दिया जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है भाई कि सी सा,
सा अ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए इसमें अ ब्लैक एंड वाइट काउ है कि नहीं, तो अब जो काउ है यही ब्लैक एंड वाइट है, ये तो काउ कितनी है, एक ही है, काउ कितनी है, एक ही है ना। तो इस तरीके के रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर हम जैसे कह दिया जाए इसी को सी सा अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, मतलब उसने कितनी गाय देख ली, कितनी गाय देख ली, दो, तो ये ब्लैक और अ वाइट है कि नहीं, चले है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस तरीके के टॉपिक कौन से मिलने वाले हैं, इसमें आपके चार पांच रूल बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के बनाए जाते हैं, ठीक। तो अब आज का सेशन यही एंड करते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम इजाजत नहीं देने वाला है ना। तो हम लोग मिलते हैं इस टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।